हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ अ चैनल एलोए। वेरी गुड। तो आज वीडियो में अन्ना ने स्टार्टिंग से ही राइम्स स्टार्ट कर दी थी, तो हमने सोचा कि आज आपको भी सुना देते हैं अन्ना की कविताएं। वैसे आज हम लोग अन्ना को बताने वाले हैं मछलियों के बारे में कि मछलियों को घर में रखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप भी वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि अन्ना को हम क्या क्या सिखाते हैं। उसी के साथ साथ हम आप सभी लोगों को भी मछलियों को रखने के फ़ायदे बताएंगे। जैसे ही हम अन्ना को बताने वाले थे, अन्ना ने कुछ बोलना शुरू कर दिया था, तो हमने सोचा पहले यही सुना देते हैं आपको, तो आप भी सुनिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अन्ना हाथ लगाओ, डर जाएगी। बाहर निकालो, मर जाएगी। पानी में डालो, तैर जाएगी। दाना डालो, खा जाएगी। वेरी गुड। तो आज अन्ना हम क्या करेंगे, आज हम फिश के बारे में सीखेंगे कि फिश को घर में रखने से क्या क्या होता है, है ना? ओके अन्ना। तो आप सभी लोगों ने देखा, जैसे ही हम अन्ना को मछली के बारे में बताने जा रहे थे, उससे पहले अन्ना ने हम सभी को मछली से रिलेटेड एक कविता सुनाई। हमारे साथ साथ आप सभी लोगों तक भी वह कविता उसने पहुंचाई। तो चलिए अब जानते हैं मछली पालने के फ़ायदे। मछली पालने के फ़ायदे वैसे आपको शायद ही कोई बताएगा। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि आजकल हर कोई मछली पाल रहा है, और क्यों नहीं, पालना भी चाहिए। लेकिन क्या कभी मछली पालने के फ़ायदे के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मछली पालने के फ़ायदे। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। घरों में मछली रखने से सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। जिस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा आती है, उसी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। नंबर दो, मछलियां शगुन का प्रतीक होती हैं, इसलिए घरों में बुरी नज़र नहीं लगती है। नंबर तीन, इसमें सारे तत्व एक्वेरियम के रूप में, जैसे एक्वेरियम में पानी के रूप में जल तत्व, कंकड़ के रूप में थल तत्व, लाइट के रूप में अग्नि तत्व और वायु के रूप में वायु तत्व मौजूद होता है। इसलिए दोस्तों, एक्वेरियम घरों में ज़रूर रखना चाहिए। नंबर चार, तनाव को दूर करना। अब वो कहेंगे आप कैसे, अगर घर में यदि किसी को मानसिक तनाव हो तो आप एक्वेरियम के पास आकर कुछ देर बैठ जाएं, फिर मछलियों को देखना शुरू कर दें, आपका तनाव बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को यह चीज़ें कैसे लगी, हमें कमेंट करके बताइए। जैसे ही हमने ये सारी बातें कंप्लीट कर सके, वैसे ही अन्ना और दादी की बातें शुरू हो गई। तो वीडियो में बने रहे और आप भी देखिए कि अन्ना और दादी क्या क्या बातें करते हैं। देख सकते हैं अन्ना की ये फिश है। आप बताओ, आपके आपके फिश का क्या नाम है बेबी? चुनचुन। क्या नाम है? चुनचुन। चुनचुन। और क्या नाम है? अच्छा, और मुनमुन भी नाम है आपके फिश का? मुनमुन। ये हटाओ फिर। क्या क्या नाम है बेबी बताओ? क्या क्या नाम है? मुनमुन। और मुनमुन हैं, क्या क्या नाम है बताओ तो। अच्छा, ये शार्क है, ये गन फिश है, ये हमारी अन्ना है। अन्ना बहुत खुश होती है फिश को देख करके। किसकी फिश है?
किसके फिश है बेबी? अरना के? अच्छा अब हमारी अरना बिटिया, अरना आप वर्ल्ड के टूर पे निकल रही हैं, वर्ल्ड टूर पे निकल रही हैं। अच्छा कहाँ कहाँ? यूके कहाँ कहाँ जा रही हो बेबी? हैं मैप देख रही हो आप ग्लोब से? हैं क्या कर रही हो बेबी? क्या क्या कर रही हो? वर्ल्ड टूर पे जा रही हो? मस्त है। अरना कहाँ कहाँ घूमने जाओगी बेबी? कहाँ कहाँ घूमने जाओगी? कहाँ कहाँ जाओगी? वर्ल्ड टूर करोगे? वर्ल्ड टूर? अच्छा कहाँ कहाँ जाओगे बताओ। अच्छा अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि अरना और दादी ने अपनी अपनी मछलियों के नाम भी रख दिए हैं। तो वीडियो को अगर आप लोगों ने स्किप किया हो तो दोबारा से बिना स्किप करे हुए वीडियो को ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यह ज्ञान की बातें कैसी लगी। और अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ छोटी सी रानी अरना की कहानी में। Thanks for watching this video. Bye-bye. Take care.